उत्तर प्रदेश मौसम समाचार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें, मौसम को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही की बीदर अलर्ट, यूपी में बारिश की फिर दस्तक। जाने आज और कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, तो चलिए जानते कि आपके शहर में कैसा रहेगा आज मौसम का हाल। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को आखिर तक देखें। और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, यूपी में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। बारिश आपको बता दें इस माह के अंत तक जारी रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। आज को भी मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक आपको बता दें, अगले कुछ घंटों के दौरान बुलंदशहर के जहांगीराबाद, अनूपशहर, शिकारपुर, पहासू, डेवाई, नरौरा, अलीगढ़ जिले के अतरौरी, खैर, अलीगढ़, राया, मथुरा, टूंडला, आगरा समेत यूपी के कई जिलों में हल्की से मध्यम तीव्रता की रुक रुक कर बारिश होगी। मौसम विभाग की चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग ने बताया है कि बारिश को लेकर उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, मौसम विभाग द्वारा जिन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें बांदा, उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर, कानपुर देहात, हरदोई, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ शामिल है। तो वहीं बीते 24 घंटों में जोरदार बारिश हुई है, जिसकी वजह से जगह जगह मकान, दीवार, पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की खबरें सामने आई है। तो वहीं कई शहरों में जलभराव हो गया है। बता दें कि मूसलाधार बारिश की वजह से हुए हादसों में 3 बच्चों समेत 30 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बारिश की वजह से हुए मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो चलिए जानते कि कैसा होगा आपके जिले में आज मौसम का हाल। आपको बता दें, मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज को आपको बता दें भारी बारिश और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। पिछले दिनों आपको बता दें जोरदार बारिश ने पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी। उसके बाद से आपको बता दें लगातार मौसम में परिवर्तन हुआ, तापमान में तेजी से वृद्धि हुई, जिसके कारण मानसून एक बार फिर पुनः सक्रिय हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य भाग में निम्न दबाव का क्षेत्रफल बनने के कारण उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जोरदार बारिश होने की फिर संभावना है। इसी बीच आपको बता दें कि कल को राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। आपको बता दें कि कल को राजधानी लखनऊ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर तेज हवा गरज चमक के साथ बारिश होगी। वीडियो के अंत में आपको बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार आपको बता दें कि 2-3 दिनों पहले हुई सीजन की सबसे अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अभी कोई नया रिकॉर्ड नहीं बना है। पर अगर बात करें आज की, तो 24 घंटों के आंकड़े निकाले जाएंगे तो ये पुराना रिकॉर्ड टूट भी सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने आपको बता दें 2-3 दिनों तक यूपी के 30 जिलों में चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इन जिलों में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की है।